और ये हम बाणगंगा में पहुंच गए हैं फैमिली के साथ। पीछे देखिए लाइन है, आगे भी लाइन है। और यहाँ से जो पास हमारा बना हुआ है, जो कार्ड बना रखा है रजिस्ट्रेशन का, उसको दिखाने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। और यहाँ से ही असली हमारी वैष्णो देवी माता की जो चढ़ाई है, जो यात्रा है, वो शुरू होती है। अभी हम बाणगंगा से आधा किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और काफ़ी टाइम बाद आए हैं, तो सभी लोगों को थकान लग गई, थोड़ा बैठते बैठते जा रहे हैं। और यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि चीकू और नोनू को, जो इन दोनों को भूख लगी, यहाँ पर इनको मैगी बना रहे हैं। भूखू लग गई अब मैगी बन रही बेटा, मैगी ना, तो इनको मैगी खिलाएंगे फिर आगे जाएंगे। और बहुत ही ख़तरनाक चढ़ाई। और ये देखो क्या कर रहे हो आप, बदमाशी कर रहे हो, बदमाशी। भूख लगी, भूख लगी, भूख। ओ जय माता दी। चढ़ाई लगातार चढ़ रहे हैं और बेटा ये कंधे में बैठा हुआ चीकू। अरे पीछे बहुत सुंदर भव्य मंदिर देखिए। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और ये बैग ज़्यादा भारी हो रहे थे तो अब यहाँ से इसमें रख लिया है, हब बैंस में। अब थोड़ा रिलीफ मिल गया हमें। अब ये देखिए आधी चढ़ाई अभी भी हुई नहीं है, तो चल रहे हैं। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। ये देखो घोड़े में, खच्चरों में लोग जा रहे हैं, तो हम तो पैदल जाएंगे भाई। चलो चलो जय माता दी। और ये हम चल रहे हैं अभी मैडम, जय माता दी। ये चीकू, चीकू है। अर्धकुमारी से 2 किलोमीटर पीछे पसीने से हालत बहुत ख़राब है। और ये मैडम चल रही साथ में। और यहाँ कोहरा लगा हुआ, चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ जो माता रानी के मंदिर तक जो रास्ता है, सिर्फ वही दिखाई दे रहा है और आने जाने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ होगी इतनी ख़तरनाक मौसम में भी, तो इसका आपको दिखाते हैं। ये देखिए चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है और ऊपर से माता रानी के दर्शन करके लोग आ रहे हैं। और जो माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो लोग जगह जगह पर रुक रुक करके अपनी थकान कम कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो लोग दर्शन करके आए, घोड़े खच्चरों से नीचे का रास्ता तय कर रहे हैं और पैदल भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये है माता रानी की शक्ति, माता रानी का आशीर्वाद कि सारे लोग माता रानी के आशीर्वाद से इस मौसम में इतनी चढ़ाई पर आसानी से जा रहे हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उनको इस तरह से यहाँ पर ऊपर और नीचे ले जाया जा रहा है, ये देखिए आप। और हमारे जो दो नन्हे मुन्ने बालक, ये देखिए ये यहाँ पर हैं। तो हेलो गाइज बोल दो, हेलो गाइज बोल दे, हेलो गाइज, हेलो बोलो बोलो चीकू, हाय गाइज, हेलो गाइज, हेलो। अरे यहाँ देखो, यहाँ यहाँ देखो, स्कूल वाली मैम आ गई नहीं तो हेलो गाइज बोल दे, हेलो गाइज बोल दे। तो इनका मूड कुछ और अभी है, ये खेलने में ही मस्त है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ये देखिए मौसम बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए चारों तरफ बादल लगे हुए हैं,
बारिश तो आ नहीं रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कभी भी बारिश आ सकती है। तो माता रानी के आशीर्वाद से आधा रास्ता तय हो चुका है, अब आधा रास्ता बचा हुआ है। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी माता रानी के दर्शन के लिए आए हैं। देखो इसको, ये मट्टी खाने पे लगा हुआ छोटा बदमाश है ना, ये कानों के लिए। कहाँ से आए हो आप? अलवर से। अरे अलवर, राजस्थान से? हाँ। तो जय माता दी। ये देखिए ये कुछ लोग इस तरह से जा रहे पालकी से, और पालकी से ही आए होंगे ये लोग। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी में, और अर्धकुंवारी में पहुंचते ही यहाँ पर जो पहला आपका ढाबा था वहां पर हमने अभी आपका लंच किया। लंच में हमने कड़ी चावल लिया और कड़ी चावल बहुत ही स्वादिष्ट थे। और उसके बाद हम ऊपर ये बैठे हैं यहाँ पर, ये देखिए अंकल जी आराम कर रहे हैं, उधर आंटी जी आराम कर रहे हैं, और ये छोटे उस्ताद हमारे। हाँ जी सर, हेलो। मैगी कैसे खाते हैं बता देना ताऊ जी को जरा। कैसे खाते हैं मैगी? कैसे खाते हैं? अभी अभी इन्होंने कुछ और खाया है, स्वाद चेंज हो गया इनका। और ये अर्जुन जी, चीकू चीकू, हेलो। तो ये दोनों अपनी मस्ती में लगे हैं। मैडम तो यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा? अच्छा। हाँ जी सर, यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो जोर से एक बार ही हो जाए, जय माता दी, जय माता दी। और ये सामने आपका कटरा रेलवे स्टेशन है, वहां से हम आए हैं। वहां से ये आपको सामने मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा, ये आपका आदिगुरु शंकराचार्य जी का मंदिर है, जो काफी टाइम से जिसका कंस्ट्रक्शन बंद है, लेकिन सुनने में आया कि कुछ टाइम बाद इसका अभी कंस्ट्रक्शन चालू होने वाला है। तो जल्दी हमें माता वैष्णो देवी के साथ साथ आदिगुरु शंकराचार्य जी के मंदिर का भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। और वहीं से होकर के नीचे ये जो जहाँ रेड कलर की शेड लग रही है, वहीं से हम ऊपर आए हैं, और इस तरह से यहाँ से होते हुए हम ऊपर आए हैं। तो ऊपर आने के बाद बहुत ही शांति और सुकून मिला। और ये देखिए आपका कटरा स्टेशन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। और जो ये व्यू है यहाँ पर, बिल्कुल जंगल, चीड़ के जंगल, और भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। और हाइट माने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि यार जन्नत में आ गए हैं। वाकई में वैष्णो देवी माता की सबके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, और उन्हीं की कृपा दृष्टि से आज जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो ये सब कुछ संभव हो पाया है, उन्हीं का आशीर्वाद है। अर्धकुंवारी से आगे जाते हुए, और ये देखिए पीछे से आ रहे हैं सारे साथ वाले आंटी लोग, और चीकू और नौनू दोनों सो गए। देखो ये दोनों के दोनों सो गए, हमारी ऐसी तैसी हो रही है। चलो कोई बात नहीं, जय माता दी। अब पहुंचने ही वाले हैं, 5-5.5 किलोमीटर और रह गया माता रानी के भवन की दूरी। जय माता दी। और अभी हम वैष्णो देवी से पहले भोजनालय हिमकोटी में हैं। अभी हमने यहाँ पर मसाला डोसा खाया, और प्राइस की मैं बात करूँ तो क्वालिटी एक अच्छे होटल की तरह, और प्राइस बिल्कुल बहुत कम, तो सबको मज़ा आ गया। कहाँ एक ऑर्डर किया था, उसके बाद 3-4 ऑर्डर और लिए हमने, तो स्वाद बहुत अच्छा था यहाँ पर। देखिए ये जो डोसा पॉइंट है हिमकोटी का, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यहाँ से जो भी आता है सारे के सारे लोग श्रद्धालु मसाला डोसा जरूर खाते हैं, तो क्वालिटी बहुत अच्छी, और सारे श्रद्धालु डोसे का मजा ले रहे हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम माता रानी के मेन मंदिर में,
तो मुलाकात करते हैं आपसे वहीं। तो चीकू यहाँ पर भी घर की तरह कार्टून देख रहा है और एक बदमाश नोनी वो चोट खा के बैठा हुआ है उधर, देखो इसको। तो फाइनली हम माँ वैष्णो देवी के दरबार में पहुँचने ही वाले हैं, चंद कदमों की दूरी पर हम हैं और बहुत खुशी और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँच करके। जितना सारा थकान लगा था वो सारा ख़त्म हो गया है। और ये देखिए मैडम, अंकल, आंटी और ये नोनू बदमाश, ये नोनू बदमाश देखो है। तो जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता रानी के दर्शन के लिए वो डंडा पकड़ के चल रहे हैं और ये चॉकलेट के चक्कर में, देखो लो भाई इसको चॉकलेट दो, चलो चलो मंकी आएगा ना हाथ से छीन के, मंकी खा जाएगा। ये देखो बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं और ये देखिए, हाँ भाई ओ डंडे वाले, ओ डंडे वाले, ये देखो इनको। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चीकू दौड़ना नहीं, इधर इधर इधर, हाँ ऊपर आ ऊपर, ओ भाई साहब चलो चलो चलो, होते ही डंडे के, चलो 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 चलो। फाइनली हम वैष्णो देवी पहुंच चुके हैं माताजी के मंदिर में, माताजी के परिसर में, और ये सामने आपको माँ, ये माताजी का मंदिर दिखाई दे रहा होगा। और ये भीड़ है, जो भी श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, इस साइड से ये दर्शन करने के लिए जा रहे हैं लोग, इधर से आ रहे हैं, और आज भीड़ बहुत ज़्यादा है और ये माहौल जो है देखने लायक बना हुआ है। और यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है ना, ऐसा लग रहा पता नहीं कितने लोग कहाँ कहाँ से आ गए, और वाकई में माता का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रही है। और ये हम अभी स्नान करके जा रहे हैं वापस, प्रसाद लेके जाएंगे और इसके बाद फैमिली के साथ माता रानी के दर्शन करेंगे। और ये आप देख पा रहे होंगे पीछे काफ़ी लोग दर्शन करके आ रहे हैं। और मौसम की बात करें तो यहाँ पर बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, लेकिन आने जाने वाली जगह पर शेड लगी हुई है जिससे कि बारिश से सब लोग बच रहे हैं। बाकी मौसम इतना ठंडा नहीं है, यहाँ पर मौसम ठीक है और लोग आसानी से माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। वाह बहुत शानदार, ये देखिए आप मेरे पीछे बहुत सारे श्रद्धालु हैं। Thank you.
के पास में पहुंचे हैं और बारिश बहुत तेज़ की हो रही है, धूंध लगी है बहुत तेज़ और चीकू सोया हुआ है, बस बुरी हालत है। जैसे तैसे नीचे कटरा पहुंचते हैं फिर आपसे बात करते हैं। बाकी मौसम बहुत अच्छा है, बस थोड़ा बारिश आ रही है, बाकी कुछ नहीं। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु अपनी बार देखे मैंने, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया रहा, दर्शन बहुत अच्छे से हुए। जय माता दी, जय माता दी। तो दोस्तों ऊपर से माता रानी के दर्शन करके हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं और ये सुबह के 6:15 का टाइम है और मैं, चीकू और चीकू की मम्मी, बाकी साथ के जितने लोग थे अभी पीछे हैं। और जो वैष्णो देवी यात्रा रही बहुत अच्छा रहा अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा। हाँ, कष्ट और थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है लाइफ में, लेकिन मज़ा बहुत आया। बाकी अभी मैं दिखाता हूँ, जाते समय हमने अर्धकुंवारी के दर्शन नहीं किए थे, हम बाईपास होते हुए से सीधे निकल गए थे, लेकिन अभी वापसी में जब हम आपका भैरव बाबा के दर्शन करके वापस उन्हीं के मंदिर से आगे जो रास्ता आता नीचे के लिए सीधे कटरा के लिए, उसी रास्ते से होकर आए हैं, तो रास्ता सीधे आपका अर्धकुंवारी आता है। तो अभी हम अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं, तो अर्धकुंवारी में सुबह 6:15 का जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सुबह 6:15 का जो नज़ारा है अर्धकुंवारी का है, और आगे देखिए चीकू है, बोले तो बेटा छोटा अर्जुन, बोले तो अर्जुन बेटा, और ये मैडम, और जो भी लोग दर्शन करके आए बुरी तरह से थके हुए हैं और हमारी तो हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो ये देखिए अर्धकुंवारी, हम जो सामने दिख रहा है अर्धकुंवारी में, ये यहाँ पर टिकट काउंटर है और यहाँ से बुकिंग भी होती है। सामने गर्भगृह के लिए जो पर्ची कटती है जो काउंटर, वो सामने है, और ब्लैंकेट्स कैश काउंटर भी उधर ही है, तो काफ़ी लोग उधर गए हुए हैं, वो वहाँ पर लाइन पर खड़े हैं। चीकू ने कल से कुछ खाया नहीं है, तो अभी हम अर्धकुंवारी में ही मैकडोनल्ड्स का यहाँ पर काउंटर है, उस पर चीकू के लिए फ्रेंच फ्राइज और जूस ले रहे हैं। हाँ बेटा, नमकीन मिलेंगे, अभी नमकीन मिलेंगे। और हमारी आवाज़ से तो आपको लगी रहा होगा कि हम बुरी तरह से थके हुए हैं, कल 2 दिन हो गए सोए नहीं है, ठीक है। हाँ यही करेगा कैश। तो दोस्तों देखिए कटरा कितना सुंदर लग रहा है, और सामने आपका कटरा रेलवे स्टेशन है, और जैसे कि कल भी मैंने बताया था, और ये आपका इधर ये दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, ये साइड आपका है अर्धकुंवारी का मंदिर, वहीं से हम नीचे होकर के अभी जा रहे हैं। चीकू मेरे कंधे पर है अभी, और बहुत ही शानदार व्यू यहाँ से सुबह सुबह का देखने को मिल रहा है। और नीचे और ये जब हम नीचे उतरे माता वैष्णो देवी के दर्शन करके, तो कटरा के लिए हमने जो होटल है हेलीपैड के सामने, उसके लिए ऑटो बुक कराया है, तो उसी से हम अभी जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त थकान लगती है, 24 घंटे से सोए नहीं है, और देखिए मौसम तो बहुत ही शानदार हो गया लाजवाब। ये है ऊपर माता वैष्णो देवी का रूट, तो फाइनली माता रानी के दर्शन करके हम आ गए हैं, होटल में पहुंच चुके हैं, और ये है हमारा होटल। और अभी और मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ, इसके बाद लंच करते हैं और मिलते हैं आपसे शाम को, प्लीज़ बने रहे। और माता रानी के दर्शन करने के बाद हम कटरा रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हैं, और ये देखिए सारे सामान के साथ चीकू आंटी, शीतल और रोहित भाई अंकल है नोनू के साथ, और वो आगे पहुंच गई है मैडम जी। और ये देखिए ये सामने आपको दिख रहा होगा माता जी के दरबार जाने के लिए जो रास्ता ऊपर दिख रहा होगा लाइटिंग में आपको, तो बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा। ये सारे लोग दर्शन करने के बाद माता वैष्णो देवी से कटरा स्टेशन पहुँच चुके, और अब जा रहे हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर। और
जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से जय माता दी और माता रानी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। और ये देखिए सुंदर शानदार खूबसूरत नज़ारा कटरा रेलवे स्टेशन का। ये देखिए रात के 9:30 बजे हैं और माँ वैष्णो देवी की जो यात्रा शुरू होती है, जो पगडंडी है, जो रास्ता है ऊपर सामने, बहुत ही शानदार बहुत ही सुंदर लग रहा है पहाड़ के ऊपर। और दिल खुश हो गया, पहली बार में वैष्णो देवी आया हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं आपका वैष्णो देवी से घर, और घर पहुँचे हो गया हमें 3 दिन। और जब हम वैष्णो देवी से घर पहुँचे तो उसके बाद 2 दिन यानी कि 9 और 10 तारीख को पूरे बॉडी में दर्द था, पेन था, और हम लगभग 3 दिन से ढंग से सोए नहीं थे। तो 2 दिन तो थकान मिटाने में लग गए, तो इसलिए ब्लॉग में पूरा कर नहीं पाया और इसको एडिट भी नहीं कर पाया। तो आज मुझे मौका मिला है इसको पूरा करने का, एडिट करने का। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा कि हम लोग फैमिली को लेकर गए थे, तो वहाँ पर मौसम बहुत अच्छा था, बस थोड़ा सा बारिश ने तंग किया, बस वही एक प्रॉब्लम रहा। साथ में जो चढ़ाई थी, अगर कोई वैष्णो देवी गया तो उसको पता है होगा कि चढ़ाई जो थी वैष्णो देवी माता मंदिर तक और वहाँ से नीचे कटरा तो वापस आने में, तो जो मेरा बेटा था उसको गोदी में और कंधे पर बिठाकर मैं ले गया, साथ में बैग भी था। तो बहुत पेन हो रहा है आपका कंधों पर, तो ये बहुत अच्छा मेरे लिए एक एक्सपीरियंस रहा अभी। और बहुत ही शानदार माता रानी के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं ना कि अगर आपने वैष्णो देवी की यात्रा की है, वैष्णो देवी से माता रानी के दर्शन करके आए हैं, तो आपको घर आकर के कंजक पूजना पड़ता है, छोटी जो बालिकाएं होती हैं उनको प्रसाद देना पड़ता है, उनकी पूजा करनी पड़ती है। तो हमने भी वही किया आकर के, तो तभी हमारी ये यात्रा पूरी मानी गई। हमने माना ये एक जो पहले से हमारे धर्म में मानते हैं या जो वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो वो ऐसा करते हैं, तो हमने भी वैसे ही उसको फॉलो किया। तो इस कुछ इस तरह से था हमारा सफ़र। जोर से बोलो जय माता दी हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी, और किसी को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें जरूर, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम इस तरह के बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों तक जरूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो अगर इसमें कोई मिस्टेक हो रही हो तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि बच्चे साथ में थे तो जिस तरह से मैं चाह रहा था ब्लॉग बनाना वो बना नहीं, लेकिन अगली बार जब जाऊँगा तो पूरी तैयारी और अच्छी तैयारी के साथ जाऊँगा। तो आई होप आपने ये वीडियो इंजॉय किया होगा, मिलता हूँ आपसे अगले एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं, बाय बाय।